अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बियाबानी बीएनटी न्यूज़ चैनल में आप सभी का खैर मकदम में डालते हैं नज़र एक अहम खबर की जानिब। प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाया गया गांधी भवन में, जिसमें एमएलसी फॉर्मर एमएलसी रामलू नायक ने मीडिया से खिताब करते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा डेली वेज वर्कर्स के तमाम सैलरीज को भी बढ़ाना चाहिए। जिस तरह से स्टेट में इंडस्ट्रीज की बढ़ोतरी हो रही है, उसी तरह से वर्कर्स के सैलरी में भी इजाफा होना चाहिए। आजकल के महंगाई के ज़माने में 10-12 हज़ार से क्या खानदानी अफराद का खर्चा निकलेगा। उन्होंने मिनिस्टर ऑफ लेबर से मुतालिबा किया। तफ़सीली रिपोर्ट मोहम्मद आसिफ की, बियाबानी न्यूज़ से। इसी तरह की हम खबरों के लिए बियाबानी न्यूज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह। वर्करों का जो इंडस्ट्रीज में काम किए, वर्करों का सपने पूरा होते, हमारे को खाने के लिए दो टाइम की रोटी मिलती, हम जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है वो सब लोग परमानेंट बन जाते हैं, बोल के सपना ये किया। तेलंगाना आके आठ साल हुआ, आज तक एक जीओ भी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। आज देखे गए तो डेली जो दाल से लेके, तेल से लेके, रोटी से लेके, आटे से लेके रेट बढ़ाते ही जा रहे हैं। आज यूपीए सरकार में 400 रुपए का सिलेंडर आज 1100 रुपए हो गया, 70 रुपए की दाल 200 रुपए हो गई, 70 रुपए का आयल मीठा तेल 200 रुपए हो गया, मूंग की दाल 200 को चले गई। आज जीएसटी रोटी पे, आटा पे हमारे नरेंद्र मोदी साहब जीएसटी लगा दिए, रोटी पे भी हमारा जीएसटी ये चल रहा है, जिसके लिए मैं एक अपील करता हूं कांग्रेस पार्टी के तरफ से, ये जीओ जितने भी है, आज 300 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री सब के जमीना बेच रहे, ये सब आज वर्करों को इतना भी ये नहीं करते हुए, आज का यहाँ का चीफ मिनिस्टर, यहाँ के वजीर आला को वर्कर बोले तो नहीं गिरता। प्रोजेक्ट में हम लोग काम किए हैं, आज 8 साल से हमारा वो नहीं बढ़ा, पेमेंट नहीं बढ़ा, जिसके लिए 100% ये करना, IONTC की तरफ से हम लड़ेंगे, उनको कामयाब करेंगे, जीवन दिलाने में ये करेंगे, उनके पेमेंट बढ़ाने में ये करेंगे।